दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बिजनेस टैलेंट बार में। आज हम बात करेंगे वॉल टाइल कैसे लगाएं, सीमेंट से केमिकल से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो टाइल पहले टाइल का साइज जो पहले आता था वो छोटा आता था, जो 8-12 का होता था। तो वो हाइट भी कम लगाते थे, जैसे 2-3 फीट लगाया तो उसे छोड़ दिया, फिर कहीं 2-3 फीट लगाया तो छोड़ दिया। क्या आपने देखा होगा कि ज़्यादा हाइट में नहीं लगता था, उसे प्रॉपर ही सीमेंट से लगाते थे, जो लॉन्ग लास्टिंग रहता था। वो हल्का साइज होता था और पतला भी होता था। साइज़ बढ़ने लगे, 12-18 हुआ, 12-24 हुआ और 8-24 हुआ। तो क्या है, इसमें स्टाइल में वेट भी ज़्यादा हो गया। फिर जैसे उनमें वेट कम था तो उसमें वेट ज़्यादा हो गया। तो ये पहले 2-3 फीट लगाते थे, अब क्या है 7 फीट 8 फीट 9 फीट ऐसे लगाते हैं। तो कहीं पे क्या है, प्रॉपर एलिमिनेशन भी लगाते हैं, तो हाइट ज़्यादा उनकी वजह से कंपनियों ने अपने अपने केमिकल निकालने शुरू किए। सुमानी ने अपने निकालने का, जारिया ने अपने निकाल, तो और भी कंपनियां फिर उतर आई तो अपने अपने केमिकल निकालने के लिए। तो फिर केमिकल क्या करता है, जो टाइल और जो दीवार के साथ एक बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है उसे। तो वो क्या है कि प्रॉपर जो जो पहले निकलने के चांसेस थे अब वो कम हो जाते हैं। अब हम के लोग क्या करते हैं, 7 फीट 8 फीट या 9 फीट या 10 फीट ऐसे ऐसे टाइल लगाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, टाइल का दीवार के साथ एक अच्छा बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो वो क्या क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कुछ टाइम बाद गिर जाएगा, या फिर 1 साल या फिर 2 साल बाद गिर जाएगा। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जो दीवार और टाइल के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, एक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और फिर अगर आप बाथरूम लगाएं या किचन लगाएं या फिर एलिमिनेशन लगाएं, तो आप प्रॉपर केमिकल का ही यूज करें सीमेंट के साथ। और अगर सीमेंट के साथ नहीं भी करते हैं, तो अगर आप अगर ओनली केमिकल लगाना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप सीमेंट के साथ केमिकल को लगाते हैं तो भी बेस्ट है। तो इसलिए क्या है कि केमिकल यूज़ करना जरूरी, क्योंकि अभी सीमेंट की जो बॉन्डिंग है वो केमिकल और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है सीमेंट के साथ मिलने पर। तो इसलिए आप सीमेंट के साथ केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। और यूँ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।